ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू वीडियो एडिटिंग, जो कि गाइस आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी कि अभी इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है वीडियोस। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे एडिट करना आप लोगों को, एंड बाकी आप लोग मेरे स्टेप्स को फॉलो करते रहना, आपको ईजिली समझा दूंगा मैं। जस्ट आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, एंड जिस भी वीडियो को आप एडिट करने वाले हो उनको ऐड कर लेना। यहाँ पे आप मेरी वीडियो को देख लेना, मैंने जिस तरीके से शूट किया हुआ है आप इस तरीके से शूट कर लेना। बाकी मैंने यहाँ पे मेरा कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, मतलब कि जो मैंने ऐसे शूट करी थी, ये मैंने बस अपने लिए कोई रील बनाना था मुझे, उसका मैंने शूट किया था, तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, जितने भी वीडियोज़ हैं सभी का डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पर, जो जो वीडियोज़ मैं एडिट करने वाला हूँ उनको। ठीक है, सभी का एक एक डुप्लीकेट बना लेना आप सभी का, एंड जो भी डुप्लीकेट बनाओगे उसको जस्ट आपको ओवरले बना देना है गाइस। ठीक है, ओवरले में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे, एंड इसको सेम साइज़ में वैसे ही रख देना है, जहाँ पे जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वहीं पे जाके आपको इनको रख देना है गाइस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस तरीके से। अब गाइस देखिए, आपको यहाँ पे करना क्या है गाइस, जस्ट आप लोग अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने डुप्लीकेट बनाई है उसको, एंड यहाँ पे गाइस कटआउट वाला ऑप्शन में जाना है आप सभी को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कटआउट पर गए, ये जो बीच वाला ऑप्शन है गाइस इसको लेना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को ब्रश को लेना है, एंड साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, एंड वीडियो को जूम करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड जिस भी पार्ट को आपको रिमूव करना है उसको छोड़ के गाइस आपको पूरा एरिया को रिमूव करना है, यानी कि क्या करना है यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरे को बीच का पार्ट नहीं चाहिए तो मैं बाकी सारे पार्ट को जो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा गाइस। ठीक है, जो भी पार्ट आपको वीडियो के अंदर चाहिए उनको आपको सेलेक्ट करना है बस। ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि गाइस मतलब ये वाला जो काम है ना, जो मैंने अभी एक बताया आपको रेस करने वाला, ये गाइस सारा आपका इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि गाइस जैसे मतलब कि आप कटआउट बनाओगे अपना इसका गाइस, उस तरीके की आपकी वीडियो एडिट होगी। मतलब कि यहाँ पे आपको पेशेंसली एंड आराम से आपको कट करना है इनको। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे रिमूव करोगे एंड इनको इरेज करोगे उनको अच्छे से करना है, एंड टाइम देके करना है, तभी वीडियोस अच्छी तरीके से एडिट हो पाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे लोग ये चीज़ बहुत आराम से करना और अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है, अब जस्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से बैक चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग बैक चलेंगे एंड इसको जाएंगे ओवरले में। ठीक है, यहाँ पे ओवरले में, एंड यहाँ से गाइस कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप वीडियो को आप दिखाना चाहते हो कि हाँ इस जगह पे वीडियो प्ले हो रहा है, उस वीडियो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर रखा है, सीता माता का एंड हनुमान जी का, वो वीडियो है ये वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं जस्ट इनको यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमने ऐड कर लिया है। अब गाइस देखिए, इसको ऊपर की साइड में ले आऊँगा मैं। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा इसको मैं कुछ इस तरीके से ऊपर रखूँगा, एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे लेयर में। ठीक है, ओवरले में, एंड यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट पे टैप कर दूँगा गाइस। ठीक है, एंड ये नीचे की साइड में चला जाएगा, एंड उसके बाद ये क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे गाइस कुछ जहाँ पे फेस दिख रहा है सीता माता का वहाँ पे रख लेंगे। बाकी गाइस यहाँ पे सीता माता का ज़्यादा मतलब कि कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छे से मतलब कि वीडियो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा यहाँ पे इसका मैं कटआउट निकाल लूँगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जैसे मतलब कि मेरे को जहाँ से हनुमान जी सीता माता दिख रही है वहाँ से मैं इनको कट कर लूँगा गाइस। ठीक है, वाली वीडियो को ऐसे स्प्लिट कर लूँगा एंड इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, एंड जो ये वाला जहाँ पे सीता माता हनुमान जी दिख रहे हैं वहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब मेरे को उसको अगेन यहाँ पे गाइस ओवरले में जाके इसको फर्स्ट पे करना पड़ेगा, तो मैं पे ओवरले में जाता हूँ एंड लेयर में, एंड यहाँ पे मैं इसको जस्ट ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सीता माता एंड यहाँ पे हनुमान जी दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेम चीज़ जो है मतलब कि मैं थोड़ा इसको ऊपर की साइड में कर देता हूँ ताकि दोनों जो है अच्छे से तो पूरा नजर आए। ठीक है, प्रॉपर, अब ठीक है गाइस। ठीक है, तो अब देखिए गाइस क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसका जो मतलब कि जो लेंथ है ना, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब कि इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ ताकि लंबे समय तक यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्पीड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पीड में एंड यहाँ पे नॉर्मल वाले में, एंड यहाँ पे मैं इसको जो है अराउंड कुछ इतना बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 5x तक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0.5x तक। ठीक है, एंड सेम चीज़ जो कॉपी है उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगी वीडियो, है ना, तो इसको 5x तक कर देते हैं। एंड यहाँ पे गाइस देखिए एक बार प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे लंबे समय तक दिख दिख रहा है तो यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, और जो मतलब कि वो हली कॉपी थी वो थोड़ा बीच में आ रही है तो उसको मैं साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब देखते हैं एक बार ये प्ले करके, अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे वीडियो हमारा। ठीक है, बट अभी हमने कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करी ना, तो अभी इसलिए आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम करेंगे सब कुछ, आप देखते रहो वीडियो को। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको जस्ट, अब जो दूसरी वाली वीडियो थी, ठीक है, एंड इसको पहले मैं ले आता हूँ, एंड जो थर्ड वाली इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, बाकी हम दो वीडियो में करके देखते हैं ये चीज़। ठीक है, अभी सेकंड वाले पे जाते हैं, एंड इसमें भी सेकंड वाले में आपको सेम चीज़ करनी है, वही जो मैंने अभी बताया था आप सभी को। ठीक है, तो इसमें तो मेरे को वापस से आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। इसमें ब्रश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फटाफट इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से,
तो बाकी जब तक ये रिमूव हो रहा है गाइस, अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वाली जो ट्यूटोरियल्स वाले वीडियोस है ना, मैंने आपके कहने पे मतलब मैंने शुरू कर दिया बनाना, मतलब कि अब मैं ये टेम्पलेट वगैरह VN कोड वगैरह की वीडियोज़ नहीं डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियोज़ वही डालूंगा जिसमें आप गाइस कुछ सीख सको, आपको कुछ आए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ही बनाऊंगा मैं इस चैनल पर। एंड गाइस ये सब चीज़ें बनाने में ना यार मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है, मतलब कि ये सब चीज़ें आप लोग पसंद करते हो ज़्यादा, एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो। VN को टेम्पलेट वगैरह में कुछ नहीं रखा है गाइस, ठीक है, ये सब मतलब कि आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं जब से AI वगैरह आए, बाकी ये सब तो मतलब कि बेकार की चीज़ें हैं, तो बाकी कोई बात नहीं, अब हमने इसको इस तरीके से कर लिया है, ठीक है। अब जस्ट क्या करूँगा मैं इन सभी को ना डिलीट करता हूँ, जो लास्ट वाली वीडियोज़ है ना, ये इनकी तो ज़रूरत है ही नहीं अभी, बाकी मैंने इन दो पार्ट में आपको समझा दिया है, ठीक है। आप गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो गई है, ठीक है। अब जस्ट क्या करेंगे, इसमें हम कलर ग्रेडिंग करेंगे वीडियो में, ठीक है, मतलब कि अभी यहाँ पे पहले मेरे को इस वीडियो का कटआउट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर हम अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो फिर वीडियो को स्प्लिट कर लेते हैं, एंड ये सेकंड वाले पार्ट में जो है अच्छे से विजिबल होए, ठीक है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा उसको सेकंड पे करके, एंड जस्ट इसका फेस नज़र आया यहाँ पे, मतलब जो सीता माँ है हमारी और जो हनुमान जी इनका फेस नज़र आए, ठीक है, वीडियो में लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ दिख रहा है इस तरीके से, है ना, नहीं तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा इसका साइज़ छोटा करके इधर सीता माँ का फेस इधर करके, एंड यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ये देख लिए, ठीक है। अभी फाइनल नहीं है ये, मतलब अभी कलर ग्रेडिंग भी बाकी है, तो कलर ग्रेडिंग तो मैं अपने हिसाब से करूँगा, बाकी आप कलर ग्रेडिंग जो है आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो जस्ट हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है, जस्ट हम यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे एडजस्टमेंट पे, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड उसके बाद जो यहाँ पे ब्राइटनेस इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, एंड कलर में जाएंगे ग्रीन को बढ़ा देंगे, एंड सैचुरेशन कम, येलो लेंगे इसका सैचुरेशन कम, एंड यहाँ पे ब्लू कलर में इसका ह्यू कम, सैचुरेशन ज़्यादा, ठीक है, एंड सेम चीज़ इसमें भी कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे ज़्यादा खेल है हमारा कर्व टूल का है, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर लेंगे इसका थोड़ा नीचे, एंड यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है, एंड ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन कलर को थोड़ा सा नीचे करेंगे, एंड हल्का सा बीच में से भी नीचे कर देंगे, एंड इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देंगे गाइस, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की साइड, एंड रेड कलर में भी थोड़ा ऊपर से नीचे की साइड में, एंड बीच वाला पॉइंट जो नीचे रखेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे अप्लाई टू ऑल, ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब जैसे गाइस हमारा जो ये वीडियो था हमने जो ऐड किया था, अब इसको हम जो है इसका एडजस्टमेंट हटा देंगे यहाँ से, तो एडजस्टमेंट हटाने के एडजस्ट में जाएंगे एंड रीसेट कर देंगे इसे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे, वहाँ से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरे वाले में भी सही सेम चीज़ करेंगे, एंड गाइस जिसमें अगर आपको कलर एडजस्टमेंट थोड़ी ठीक ना लगे वहाँ से आप हटा सकते हो, बाकी फाइनल रिजल्ट गाइस आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं इसको जस्ट यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट कर लेंगे, एंड बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तो तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।